एवरीवन, दिस इज़ मी ख्याति माहेश्वरी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल चार्टेड लॉजिक्स बाय ख्याति माहेश्वरी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेन एवर अ न्यू वीडियो कम्स। तो आज हम अपनी जो रेगुलर लेक्चर्स हैं, हम लॉ के रेगुलर लेक्चर्स जो ले रहे हैं उसकी ही एक वीडियो है। जिनको नहीं पता, मैं चाहती हूँ पहले आप हमारी सारी वीडियोस देखें उसके बाद में ही इस वीडियो पे आइएगा। लेकिन ये हमारी सारी वीडियोस से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक भी शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो अपन है चैप्टर नंबर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ओके, तो हम हैं सेक्शन नंबर 166 के अंदर, जिसके अंदर है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। अब ये सेक्शन है ना, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग बाग इसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट। इसीलिए मैंने इसकी एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, ये है वो, मैं बाद में बताऊँगी। क्योंकि छोटे छोटे सेक्शन जो होते हैं उसमें मेमोरी टेक्निक ही वर्क करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर 166 सेक्शन। इसके अंदर बताया गया है कि डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो डायरेक्टर को कंप्लाई करना चाहिए आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को वर्क करना चाहिए। देन डायरेक्ट ड्यूटी होती है डायरेक्टर की टू एक्ट इन गुड फेथ, उसको गुड फेथ में काम करना चाहिए, यही डायरेक्टर से अपेक्षा होती है कि वो गुड फेथ में काम करेगा। उसके बाद में उसके पास में एक्सरसाइज करना चाहिए उसे अपनी स्किल्स एंड इंटेलिजेंस का। ओके, डायरेक्टर हैव टू असाइन एक्सरसाइज ड्यू डेलीजेंस एंड हिज ऑल स्किल्स। ओके, डायरेक्टर को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना चाहिए। नो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या? इसका मतलब उसको अपना पर्सनल बेनिफिट न देखते हुए कंपनी के बेनिफिट के लिए वर्क करना चाहिए। उसको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाए उसी के इंटरेस्ट के लिए। लाइक अगर डायरेक्टर है और कुछ है जो कि कंपनी के फ़ायदे में है और एक है जो उसके खुद के फ़ायदे में है, तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टर को अवॉइड करना चाहिए और कंपनी में ही, कंपनी के ही इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। ओके, डायरेक्टर को नहीं करना चाहिए, अभी तक ये बोला था कि डायरेक्टर को ये करना चाहिए, डायरेक्टर को वो करना चाहिए, यहाँ पे भी खैर अपन ने बोला था कि डायरेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि कुछ नेगेटिव सेंस में बोला था, और यहाँ पे है नेगेटिव सेंस कहने कि डायरेक्टर को, डायरेक्ट नेगेटिव सेंस में कि डायरेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्टर को असाइन नहीं करना चाहिए, सॉरी, डायरेक्टर को असाइन नहीं करना चाहिए उसका ऑफिस, डायरेक्टर को अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसी के अंदर एक सबसेक्शन है 166 सबसेक्शन 7 आई थिंक, जिसके अंदर पनिशमेंट के बारे में बोला गया है कि अगर डायरेक्टर ने अपनी ये ड्यूटीज़ नहीं निभाई तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है 1 लाख टू विच मे बी एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज़, मिनिमम 1 लाख विच मे बी एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज़। ओके, असाइन नहीं करना चाहिए ऑफिस, मतलब कि उसे अपना ऑफिस छोड़कर किसी और को अपना ऑफिस असाइन नहीं कर देना चाहिए। इसका एक प्रोसीजर होता है, वो वेकेट हो सकता है, वो अपना ऑफिस छोड़ सकता है, लेकिन अपना ऑफिस ये नहीं बोल सकता कि मैं अपना ऑफिस इसे दे के जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि वो उसका पावर नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है, जैसे होता है GST वैसे है GSC AA। ठीक है, GSC AA, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर क्या है? GSC AA, GSC मतलब G मीन्स गुड फेथ में वर्क करना है, S मतलब स्किल्स के साथ वर्क करना है, C मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए और असाइन करना नहीं चाहिए अपना ऑफिस, ये प्लस ये माइनस, असाइन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए प्लस अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे भी है प्लस प्लस माइनस, इसका मतलब कि गुड फेथ में वर्क करना चाहिए, स्किल्स के अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए, लेकिन अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लाना चाहिए। ठीक है, GSC AA सेक्शन नंबर 166 ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। मैंने छोटे से स्पैम ऑफ टाइम के अंदर इसको पूरा कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अब इसका मॉक टेस्ट होगा, MCQ मॉक टेस्ट, जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।